सोनम वांगचुक जी ले लद्दाख में अपने आमरण अनशन के आज 19वें दिन पे हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि उनका मुद्दा लद्दाखी लोगों के लिए जरूरी है, पर ऐसा नहीं है। ये मुद्दा पूरे भारतवर्ष के लिए जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लद्दाख तिब्बतन प्लेटू का हिस्सा है, जहाँ के ग्लेशियर्स भारत की कई बड़ी नदियों के स्रोत हैं। ये ग्लेशियर्स पिछले कुछ सालों से काफी तेजी से पिघल रहे हैं। इसके पीछे दो कारण है, एक ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा जो इस एरिया में डायरेक्टली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है। पहले कारण से निपटने के लिए तो सोनम वांगचुक जी की दरख्वास्त लोगों से है कि लोग कंजम्पशन कम करें। कम कंजम्पशन यानी कम प्रोडक्शन यानी कम डिस्ट्रक्शन यानी कम ग्लोबल वार्मिंग। और दूसरे के लिए उनकी दरख्वास्त सरकार से है कि वो अपने वो वादे पूरे करे जो उन्होंने वोट लेने से पहले वहां के लोगों से किए थे। और वो वादा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के छठे स्केड्यूल में लद्दाख का इंक्लूजन, ताकि वहां के लोग अपने जल जंगल जमीन का ध्यान अपने अनुसार रख सकें। और अगर ऐसा हो जाता है तो ना सिर्फ लद्दाखी लोगों के लिए, पूरे भारत के पर्यावरण के लिए एक बड़ी जीत होगी। और अगर ये नहीं होता तो भारत के जैसे और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी मनमानी कर रहे हैं, लद्दाख में भी ऐसा ही हो सकता है। अब अगर मैं कहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों को जनता को अकाउंटेबल रहना चाहिए, जो उन्होंने वादा किया वो निभाना चाहिए, तो लोग मुझे किसी का फैन किसी का विरोधी बताना शुरू कर देंगे। तो इस बात को रहने देते हैं। देखिए, मेरे पास रहने के लिए एक ही देश है और मैं इसकी जलवायु पर निर्भर हूँ, और इसीलिए मैं सोनम जी की बात आपसे शेयर करके उनकी बात को एम्प्लीफाई कर रहा हूँ और आपसे भी यही दरख्वास्त करूँगा।